हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू न्यू लेसन। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद वसीम, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश इन उर्दू। मैं आज के इस लेसन में आपके लिए लाया हूं 20 न्यू वर्ड्स दैट वी ऑफन मिसप्रोनाउंस ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन विद अदर्स। हम जब भी किसी से बात करते हैं या हम किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी किस्म की, रेगुलर या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो हम ऑफन ये मिस्टेक करते हैं कि जो वर्ड्स हम अपना मुंह से अदा कर रहे होते हैं, हम उनके अच्छे तरीके से प्रोनंसिएशन अदा नहीं करते, हम उनको सही से कह नहीं पाते। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन्हीं सब एम्बिग्यूटीज को क्लियर करने के लिए मैं आज अपना एक सेकंड सेट लेके आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 20 न्यू वर्ड, हाउ टू प्रोनाउंस देम इन प्रॉपर वे। बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो है कंसिडर। क्या आप इसको कंसिडर पढ़ते हैं या कंसिडर? मोस्टली पीपल इस वर्ड को प्रोनाउंस करने में मिस्टेक करते हैं। इस वर्ड की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कंसिडर। हमने ये जो सिलेबल है हमारा फर्स्ट सी ओ एन, ओ को हमने कौन कभी भी नहीं पढ़ेंगे, हम इसको यू में लेंगे, कन, कंसिडर, कंसिडर। He has not considered my request. Consider, consider. हमारा जो आज का नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हम इसे एंटरप्रेन्योर बोलेंगे? ये बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है, बिजनेस में इसका बहुत यूज है, स्पेशली जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं वो इसको बहुत यूज करते हैं। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो है एंटरप्रेन्योर। ऑन्टर, इकॉन एंटर कभी नहीं बोलेंगे, ऑन्टर बोलेंगे इसको। इसकी आवाज है जो हम ओ निकालेंगे, ओ, ऑन्टर। और ये जो है हमारा आर ई, इसको हमने बहुत ही हल्का सा कटा देना है और इकट्ठा हमने मिला के बोलना है एंटरप्रेन्योर, 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 नॉट एंटरप्रेन्योर, ये टोटल गलत है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज टेक्स बिजनेस रिस्क इन होप ऑफ मेकिंग मनी। हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एडवाइस। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, हम अपनी रेगुलर कन्वर्सेशन में जब किसी दूसरे से बात करते हैं तो इस वर्ड से भी हमारा सामना होता रहता है। जब भी हमें कोई नसीहत करना चाहे, इसका मतलब होता है नसीहत, कोई हमें मशवरा देना चाहे, कोई हमें एडवाइस देना चाहे, तो हम इस वर्ड को रेगुलर लाइफ में बहुत सुनते हैं। इसकी जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो है एडवाइस, एडवाइस, ना कि एडवाइस, नो, हमने इसको लंबा नहीं करना। हमने ये जो आईएएस का सिलेबल है इस पर स्ट्रेस डालनी है, एडवाइस, ई का लंबा नहीं करेंगे, एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। माय फादर ऑलवेज गिव्स मी पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड है बिगिन। बहुत सारे लोग इस वर्ड को बोलते हैं बिगिन, बिगिन, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो है बिगिन। हमने ई को लंबा नहीं करना, जैसे बिगिन हमने यहां पे इसको स्ट्रेस दे रहे हैं ई को नीचे की ओर, इसी तरह इसको भी हमने आई वाली ही स्ट्रेस देनी, बिगिन, 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 नॉट बिगिन, बिगिन है इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन। जैसे He begin his work at 8 o'clock. Next बहुत ही important word है theory. क्या हम इसे theory पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग इसको theory पढ़ते हैं और इस word से भी हमारा अपनी regular life में, regular writing या speaking में सामना होता रहता है। इस word की जो correct pronunciation है वो है theory. हमने थ्यू जो ओ है इसको हमने हजफ कर देना है, इसका हमने ई को हमने लंबा नहीं करना, थीरी, थीरी बोलते हैं, जैसे आई लाइक टू रीड थीरी इन माय स्टडी, आई लाइक टू रीड थीरी, थीरी बोलेंगे इसको, मेरे साथ बोलिएगा थीरी, नॉट थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और हम ऑफन इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, हम इसे बोल देते हैं मोर्टगेज, ऐसे बोलते हैं क्योंकि स्पेलिंग समटाइम इस तरह के होते हैं। इंग्लिश का ये है कि इसमें स्पेलिंग देना जो उसका जो साउंड डिफरेंट होता है,
देखिए साउंड इफेक्ट स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वो हम लिख नहीं रहे होते, इसी वजह से इंग्लिश में ये थोड़ी सी ऑसिलेशन जरूर पाई जाती है। इधर वर्ड लिखा है इसके स्पेलिंग कुछ है लेकिन इसका जो साउंड है वो टोटली डिफरेंट है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी उसको बोलेंगे हम मोगेज, मोगेज एम ओ, इसको कंसिडर करेंगे, आर टी को हम स्किप कर जाएंगे, और ये जो नेक्स्ट सिलेबल है हमारा जी ए जी, इसको हम लंबा कहें मोगेज, मोगेज। जैसे मैं कहूं आई हैव मोगेज्ड माय होम एज ए गारंटी इन ऑर्डर टू गेट लोन, इजी। नेक्स्ट वर्ड, इससे भी हमारा अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत सामना होता है, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सिचुएशन, चे के बाद निकालते हैं चे की, सिचुएशन ऐसे करते हैं ना, मैं भी ऐसे ही बोला करता था इस वर्ड को चे के बाद, लेकिन चे की जगह हमने आई टी यू पे स्ट्रेस डाल के इसको शीन की आवाज में कहा, सिचुएशन, 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 दिस सिचुएशन इज टू टफ टू बी हैंडल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज होता है लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है हम टोटली तौर पे मिसप्रोनाउंस करते हैं, गलत बोलते हैं, वर्ड है फॉरगेट, हम ऐसे बढ़ते हैं फॉरगेट, आप भी ऐसे बढ़ते होंगे, मैं भी ऐसे ही बढ़ता था, हो सकता है कुछ आप में बहुत अच्छा बोलते हैं उसको, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है आपको पता हो, वर्ड फॉरगेट की जगह हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ना तो इसको फॉरगेट बोलेंगे ना फॉर बोलेंगे, फिर गेट, बहुत ही ज्यादा हमने स्ट्रेस डालना है एफ ओ वाले एरिया पे, ई के बाद में हमने निकालेंगे इसको ई की तरह, फॉरगेट, 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 I often forget my bike at home while going anywhere. बहुत ही important word है. Pass. कैसे pass बोलते हैं? क्या आप इसे pass बोलते हैं? हमारा जो इस word से सामना होता है, either we are watching movies or we are doing anything, we take pass. क्या passes बोलेंगे इसको? No, never. इसकी जो correct pronunciation है, वो है pause, pause. जैसे मैं कहूँ There are too many poses in this movie. Pause. हमने आ को ओ में कन्वर्ट करना है. ओ. Pause. Next word है pollution. यही पढ़ते रहे हैं pollution. ये भी word हमारी लाइफ में बहुत दफा आता है. Whether we are talking, whether we are reading, or we are discussing anything with our friends or our teacher, we often confront with this word and we pronounce it as पॉल्यूशन, नो, इसका मतलब गंदगी, कोई भी नॉइज वगैरह की हो सकती है, कुछ भी शोरश में हम इसे ले सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, ओ की जगह हमने ए का साउंड देना है, आ, आ, ऊपर की तरफ, प, प, और इस पे हम स्ट्रेस डालेंगे डबल एल पे, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, pollution, traffic always causes pollution in this city, noise pollution. Okay, हमारा जो next word है वो है variety. इस word से भी हमारा सामना होता रहता है, जब हम किसी बाजार में जाते हैं तो हम दुकानदार को बोलते हैं बहुत सारी shirts निकाल के दिखाओ, हम उसको कहते हैं कोई variety दिखाओ, कहीं हम मार्केट में गए हमने कोई शू लेने हैं, कोई मार्कर्स लेने हैं, कोई शर्ट्स लेनी है, या वट एवर शॉपिंग वी वॉन्ट टू मेक, हम अक्सर डिमांड करते हैं कि हमें वैरायटी दिखाएं, मैं भी इसको वैरायटी ही पढ़ता रहा, और कुछ लोग इसको वैरायटी पढ़ते हैं, करेक्ट क्या है इसमें, जिसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वैरायटी, वैरायटी नहीं बोला, वैरायटी, वैरायटी, वराय, आई को भी आई नहीं बोलेंगे, ए की साउंड अपर लेके जाएंगे, आई, वैरायटी, variety, there is variety of flower in that market. बढ़ते हैं next word की तरफ, बहुत ही commonly used word है, जब हम किसी चीजों की measurements के बारे में देखते हैं, अपने कपड़ों की साइज के बारे में सोचते हैं, किसी जगह की पैमाइश के बारे में सोचते हैं, या किसी चीज की हम उसकी measurement करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं big, small, large, medium, whatever. उसी सेंस में ये वर्ड है हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत यूज होता है, कुछ लोग इसे बोलते हैं मीडियम, नो, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है
वो है मीडियम, मीडियम पोस्ट स्ट्रेस डालना है इस सिलेबल पे और ई की जगह भी नीचे हमने लंबा ई नहीं बोला, ई पोस्ट स्ट्रेस डाल के ना ई मिडी मीडियम मीडियम। आई ऑलवेज वेयर मीडियम साइज शर्ट्स, मैं मीडियम शर्ट्स पहनता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंजल, एंजल पढ़ते हैं बहुत सारे लोग इसको एंजल बोलते हैं। देखें एक आपको बात बता दूं, इधर एक कंफ्यूजन है, यह है एंजल, इसके एक और के स्पेलिंग उतरे हैं वो है ए एन जी एल ई, इसको हम बोलते हैं एंगल, एंगल होता है जाविया। लेकिन ये जो एंजल है ना हम फरिश्ते की सेंस में यूज करते हैं, ठीक हो गया, तो हम इसका साथ हमारा भी कोई कंसर्न नहीं, हम इस पर बात करते हैं। हमने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या एंजल पढ़ना है या ओंजल पढ़ना है, क्या बनेंगे, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं एंजल, एंजल नॉट एंजल, एंजल एंजल, माय नीस इज एन एंजल। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम डोमेस्टिकली बहुत यूज करते हैं, जब हम किचन में कोई चीज बना रहे हो, हमारे घर में कोई सब्जी पड़ी है या कोई मटन लेके आए हैं, हमने कोई हंडिया बनानी है, तो हम हर चीज को काटने के लिए इस चीज का यूज करते हैं जिसे उर्दू में छुरी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, कुछ बोलते हैं इसे कनाइफ, क्या इसकी कनाइफ का प्रोनाउंसिएशन, नो, इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है नाइफ, नाइफ, इसको हमने स्किप कर देना, हमने यहां से शुरू करना है नाइफ, नाइफ बोलेंगे। दिस नाइफ इज सो शार्प, ब्लेड ऑफ दैट नाइफ वॉज सो शार्प, आई वॉज यूजिंग टू कट मैंगोज, कुछ भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इस वर्ड में बहुत सारे लोग ब्लंडर करते हैं, इस वर्ड का हमारा ऑलमोस्ट सामना होता रहता है इस वर्ड से भी हमारी रेगुलर लाइफ में, और इसकी प्रोनंसिएशन जो सही से नहीं अदा कर पाते हम लोग, तो इसकी जो प्रोनंसिएशन है वो लोग कहते हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी इसका मतलब होता है मोटा हो जाना, फरबा हो जाना, खा खा के मोटा है, क्या ओबेसिटी है, नहीं, इसकी जो प्रोनंसिएशन है बोलेंगे ओबीसिटी, ओबीसिटी, आई के साउंड देंगे, स्ट्रेस डालेंगे यहां पे सिलेबस पे, ओबीसिटी, ओबीसिटी, ड्यू टू ओवर ईटिंग ही वॉज मूविंग टूवर्ड्स ओबीसिटी, ओबीसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा, लेकिन हम इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं। पाकिस्तान की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी इसी को ही फॉलो करती है, हम इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डी को हमने बहुत स्ट्रेस डाल के तेज बोला, डी, मो की जगह आ, ए का साउंड देना है और लंबा करना है थोड़ा सा ना, लंबा, दिमाग, दिमाग, क्रेसी नहीं क्रेसी, क्रेसी, दिमाग क्रेसी, दिमाग क्रेसी, इसे बोलते हैं जमहूरियत। जैसे मैं इसका सेंटेंस बनाता हूं, ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज वाइटल टू ए हेल्दी डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पाकिस्तान में तो ये बहुत इन है ना, इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, क्योंकि हमारी ये जो चीज है ना बहुत निचली सतह पे चली गई है, हम अंडर डेट हैं, तो इस पे मैं बात करूंगा, इसकी हम प्रोनंसिएशन नहीं सही से अदा कर पाते, बहुत सारे लोग इसे बोले इकोनॉमी या फिर बोलते ना इकोनॉमी, इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन की जो करेक्ट प्रोनंसिएशन वो इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी जो करेक्ट है, नॉट इकोनॉमी बल्कि इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज टोटली बीन डिविंडल्ड दिस डेज। नेक्स्ट वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका मतलब होता है इकोनॉमी का मतलब है मॉइश्चर, और जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है कोई मुजाहिरा करना, कोई चीज एक्सप्लेन करना, कोई बयान करना, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन या डिमोन्स्ट्रेटिंग, ही इज डिमोन्स्ट्रेटिंग इन द क्लास, या वर्कर्स आर डिमोन्स्ट्रेटिंग ऑन द रोड, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेशन नॉट डिमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन,
जैसे ये वर्ड है, मैं कहता हूं वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री आर डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑन द रोड, आर आई एम गिविंग ए डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लास, डेमोन्स्ट्रेशन नॉट डेमोन्स्ट्रेशन आर डेमोन्स्ट्रेट, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना भी मुजाह क्लास में और मुजाहरे के तौर पर भी इसे लेते हैं डबल सेंस में। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अनकॉमन है, बहुत सारे लोगों का इसका मैंने वैसे डाल दिया, चले आपको कभी आए तो पता लग जाएगी। इसका जो उर्दू मतलब है वो है तबाही, इस वर्ड का तबाही, जैसे डिस्ट्रक्शन, अनाइलेशन, एक्सट्रपेशन, ऑब्लिट्रेशन, तबाही के सेंस में आते हैं ये सारे वर्ड्स हैं। लेकिन हमें इसका इस वर्ड से कंसर्न है, इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या हमने इसको डिवेस्टेशन बोलना है? नो, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है डेवस्टेशन, डेवस्टेशन नॉट डिवेस्टेशन बल्कि डेवस्टेशन, डेवस्टेशन। जैसे मैं कहूं दिस टेम्पल हैज बिकम विक्टिम ऑफ इट्स डेवस्टेशन ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स इट, डेवस्टेशन, डेवस्टेशन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट एंड रेगुलरली यूज्ड वर्ड है वो है वेजिटेबल, सब्जियां, इनको बोलते हैं सब्जियां। ठीक, मेरी उर्दू की हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसी है, इसको बोलते हैं वेजिटेबल, हम तो इसे वेजिटेबल ही कहते हैं ना कि जाओ भाई दुकान से वेजिटेबल ले आओ आज क्या पकाना है, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसकी करेक्ट जो प्रोनंसिएशन है ना वो है वेजिटेबल, 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 वेजी कभी भी नहीं बोलेंगे, वेज, वेजिटेबल। इसको भी हम बहुत स्पीड में इस लेबल को बोलेंगे वेज, ई तो खत्म कर देना, टेबल को टेबल नहीं बोलना, टेबल, टेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। आई लाइक टू ईट पंपकिन इन वेजिटेबल, वेजिटेबल। हमारा लास्ट वर्ड है किसी बंदे से कंसीड करना, मुत्तफिक होना, एग्री बोलते हैं ना इसको, हम हर बात में किसी से कोई हमारा कोई डायलॉग चलता है हम कहते हैं ओके यार मैं एग्री करता हूं, आप ठीक है, आप शांत रहो, एग्री हो गया। कुछ भी चीज हम किसी के साथ जब डिसाइड करते हैं कोई डायलॉग तो वर्ड एग्री हम यूज करते हैं, कोई बहस में कोई आर्ग्यू कर रहे हैं या कोई बार्गेन, एग्री। लेकिन ये एग्री टोटल गलत है, इसकी जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है ना वो है अग्री, नॉट एग्री, अग्री, अग्री। हम इसको ऊपर को लंबा ज़रा साउंड निकालें, अग्री, अग्री, शी डिडंट अग्री टू माय प्रपोजल, अग्री, अग्री, आई हैवन बीन अग्रीड, अग्रीड। तो आज का था ये हमारा लेसन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपकी जितनी भी एम्बिग्यूटीज थी, मिसकॉन्सेप्शन थी, जो भी आपकी मिसप्रोनंसिएशन थी सब दूर हो गई होंगी ये लेक्चर लेने के बाद। आपने सिर्फ क्या करना है, इस लेक्चर में, इससे पहले भी मैं एक अपना लेक्चर दे चुका हूं, उसका भी मैं लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जब वहां जाके मेरा फर्स्ट लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं। आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, आई नीड योर सपोर्ट, कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। मिलते हैं एक न्यू लेसन के साथ विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिल देन अल्लाह हाफिज़।